लॉकअप की मैं बात करूं, शानदार जर्नी, ट्रॉफी डोंगरी आ गई है, खतरों के खिलाड़ी में आप आ रहे हो, किस तरह से देख रहे हो इस रियलिटी शो को? ये रियलिटी शो को मैं ऐसे देखता हूं कि एक रियलिटी शो ऑलरेडी कर लिया, इससे बहुत अलग रियलिटी शो, और लॉकअप से पहले से ही ये इसके बारे में बात हो चुकी थी, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड पहले से ये बाहर जाके और एक शो करना है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट लॉकअप से काफ़ी डिफरेंट शो कि यहाँ पे वहाँ पे टास्क करने, यहाँ पे स्टंट करने, और सेम टाइम बहुत सारे रीज़न थे हाँ बोलने के, कि पहला रीज़न तो है कि बहुत बड़ा शो है, प्लस बड़ा चैनल, रोहित शेट्टी सर, तो सारी चीज़ें इन्होंने इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर बढ़ा दिया था कि मैंने शायद 5 मिनट में बोल दिया था कि हाँ मुझे करना है ये, और आज हो रहा ही है। स्टंट्स में कितने आप रेडी हो मेंटली, फिजिकली मैं बात करूँ, कितने ज़्यादा रेडी हो आप? फिजिकली तो तुम लोगों ने देखा होगा मैं थोड़ा फिट हो गया हूँ लॉकअप के बाद, ठीक है, थोड़ा पेट वेट थोड़ा अंदर गए, बट मेंटली हाँ मेंटली रेडी है, अपन को कुछ भी बोलेंगे करने के, चढ़ जाओ तो अपन चढ़ जाएंगे, मेंटली तो रेडी है, फिजिकली पता नहीं है कि कितना वो क्या लगेगा, कौन से टास्क में कितना कंज्यूमिंग होगा, बट रेडी तो हूँ कि कर लेंगे। और कौन सा स्टंट आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा? वाटर स्टंट, एनिमल स्टंट, हाइट स्टंट, काफी अलग अलग स्टंट होते हैं, कोई स्टंट आपके लिए डिफिकल्ट होगा? मुझे लगता है स्विमिंग, मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो आई थिंक पानी वाला। रियलिटी शो की मैं बात करूं, ये नहीं बोलना चाहिए था ना? रियलिटी शो की मैं बात करूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक रियलिटी शो, बहुत बड़ा रियलिटी शो, बिग बॉस भी जीता था, खतरों के खिलाड़ी भी जीता था, क्या आप दूसरे व्यक्ति बन जाओ? मैं सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रहा हूँ, आप लॉकअप भी जीत चुके हो हाल ही में, क्या आप खतरों के खिलाड़ी जीत पाओगे आपको लगता है? कोशिश पूरी रहेगी वो डायरेक्शन में, मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले दिन तो मैं अंदर भी जब लॉकअप में गया तो ये उम्मीद लेके और लेके गया था कि इंशाल्लाह ट्रॉफी जीत के आएंगे, बट मैं सेल्फ अवेयर बहुत हूँ, मैं गेम स्टार्ट जैसे होगा मैं धीरे धीरे फिगर आउट करूँगा चीज़ें, और डोंगरी में बहुत जगह है ट्रॉफी रखने की, तो ट्रॉफी तो डोंगरी है। आपने लॉकअप में लास्ट लाइन ये कहा था, लोहे जैसी लेगेसी, क्या ये लोहे जैसी लेगेसी खतरों के खिलाड़ी में देख पाएंगे हम? वो लोहे जैसी लेगेसी वो थी, खतरों के खिलाड़ी की एक अलग जर्नी होगी, एंड आई विल मेक श्योर कि स्टंट तो सब करेंगे, अपन अलग बजेंगे, तो अपने जो अलग बजने वाला अंदाज है वो लोगों को पसंद आएगा, और साथ साथ स्टंट भी करेंगे, और हर स्टंट तोड़ देंगे, हर स्टंट तोड़ेंगे और हर स्टंट जीतेंगे भी, तो मेहनत पूरी रहेगी। कंपटीशन किस तरह से दिखने मिलेगा? काफी ज्यादा लोग हैं रियलिटी शो में, उन्होंने काफी एक्सप्लोर कर चुके, मैं प्रतीक की मैं बात करूं, रुबीना जी ने भी बिग बॉस जीता, आप कितने ज्यादा कंपटीशन को लेके कितने ज्यादा? बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, सारे अपने आप में एकदम ही बढ़िया लोग है, और सब धुरंधर बोलेंगे तो धुरंधर लोग ही है, और सब प्रिपेयर भी है, उनको भी सबको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, सबको जीतना है, तो मज़ा बहुत आने वाला है, और डिफ़िकल्ट भी होने वाला है, टफ भी होने वाला है, लेकिन अपने को एक दो हफ्ता वहाँ पे जाएंगे फिर पता चलेगा कौन दूध पाव है, कौन है खिलाड़ी। एंड रोहित सर की मैं बात करूँ, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, अगर आप स्टंट नहीं करते तो चिल्ला भी देते, एक कंगना मैम के काफ़ी अच्छे से डील कर पाए आप, हाँ रोहित सर के साथ डील हो इट वॉज डिफिकल्ट विद कंगना ऑल्सो फॉर द अदर कंटेस्टेंट, द रीज़न कि आप अगर रीज़न दोगे उनको चिल्लाने का तो चिल्लाएंगे भी, और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी होता है कि जब आपके अच्छे के लिए आप पे कोई चिल्लाता है तो वो कोशिश करता है आपके अंदर का जो बेस्ट है, जो आप शायद नहीं ला पा रहे, वो बाहर लेके आते हैं, और मैंने देखा भी है कि जो वीक कंटेस्टेंट्स भी होते हैं उन पर सर बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि उनका सबसे बेस्ट चीज़ बाहर आए, एंड मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं उनसे बात कर पाऊँगा, उनसे मिल पाऊँगा, और उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो अपना तो मतलब समझ रहे एकदम 200 उंगलियाँ घी में, तो वो चीज़ को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और सेम टाइम अगर वो चीज़ उनको इम्प्रेस करती है कि कोई टास्क नहीं करता तो थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते, तो अपना तो नेचर ही वो है कि भाई बताओ कहाँ कूदने गए, तो टास्क को तो अपन मना करेंगे ही नहीं, तो शायद उनको तो मैं पसंद आऊंगा। MX प्लेयर में काफी शानदार परफॉर्मेंस थी, नाउ यू आर द पार्ट ऑफ कलर्स एंड एंडोमॉल टीम, एंडोमॉल का एक बहुत बड़ा शो भी है बिग बॉस, उसमें आपको देख पाएंगे? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि अभी क्या मैं करूँगा, क्योंकि अभी 50 दिन ये शो पे होगा, और फिर उसके बाद मुझे स्टैंड अप कॉमेडी भी करनी है, तो एक कैप्टिव रियलिटी शो पर, लेकिन हालांकि बहुत डिफरेंट था लॉकअप बिग बॉस, बहुत फ़र्क है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना चाहिए। मनोज जानना चाहूँगा कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, रियलिटी शो कर रहे हैं, बॉलीवुड में आज के टाइम में कॉमेडियंस की कितनी रिक्वायरमेंट है जेन्युइनली अगर देखा जाए तो? हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज कॉमेडी मूवीज ही है बॉलीवुड में,
तो डेफिनेटली कॉमेडी की बहुत रिक्वायरमेंट है बॉलीवुड में, और कॉमेडी तो होनी चाहिए, कॉमेडी मूवी और बननी चाहिए. और मुझे बहुत पसंद है, बॉलीवुड में भी बढ़िया बढ़िया कॉमेडी मूवीज दी है. एंड डेफिनेटली मैं चाहूँगा अभी अगर कुछ मुझे लिखने मिले या कुछ करने मिले तो मैं डेफिनेटली बढ़िया टाइट मटेरियल और बढ़िया क्वालिटी कंटेंट वाला काम करना पसंद करूँगा. मुनावर मैं जानना चाहूँगा, यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग फॉर दिस शो लॉकअप की मैं बात करूँ, कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसको आप देखना चाहते हो जो आपके साथ लॉकअप में भी काफी अंजलि की मैं बात करूँ, आपकी और अंजलि की केमिस्ट्री काफी ज्यादा लोगों को पसंद आई थी, क्या आप देखना चाहोगे अंजलि को खतरों के खिलाड़ी में? उसमें ऐसा है मुझे कि मैं उसको नहीं देखना चाहूँगा या मैं उसको देखना चाहूँगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चूज़ करने वाली टीम अलग होती है. और द सेम टाइम अगर मुझे बोला जाए कि लॉकअप में से किसी को चूज़ करना है खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो मैं डेफिनेटली करण वीर का नाम दूंगा. करण वीर भाई को देखना चाहूँगा, बट पता चला वो ऑलरेडी जाके आए, तो आई डेफिनेटली वॉन्ट के कोई ऐसा कंटेस्टेंट आए वहाँ पर जो जिससे लोग एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो, जैसे मतलब आई वांट राखी सावंत है तो मजा ही आ जाएगा तो खतरों के खिलाड़ी में राखी सावंत होनी चाहिए, तो आई थिंक हाँ राखी सावंत. जाते जाते एक एक आपकी शायरी सुनना चाहोगे खतरों के खिलाड़ी से जुड़ी होनी चाहिए वो शायरी? खतरों के खिलाड़ी से लेके तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो हाँ तो अभी मैं एक कुछ लिख रहा था तो उस पर ही करता हूँ कि मैं शो में कमाल करता ये सब बवाल करते, मैं जीत के आऊंगा साउथ अफ्रीका फिर भी ये सवाल करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.